बता दें दिल्ली में कमला नगर में जो लूट हुई थी उसका एक वीडियो सामने आया है। कमला नगर मार्केट में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था, 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया था और उसका ये देखिए नया वीडियो सामने आया है। सिटी बैंक के एटीएम में जब कैश वैन पैसे भरने के लिए जा रही थी उस वक्त दो लोग आते हैं और पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। उसके नए वीडियो में देखिए कि जो कैश वैन में से पैसे निकालकर अंदर एटीएम के अंदर पैसे डालने के लिए जो टीम पहुंची थी वो जब अंदर रहती है तब दो लोग आते हैं, गोली चलाते हैं, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है और पैसे लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, ये एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी की फुटेज है जो अब सामने आ रही है जिसमें नजर आ रहा है कि कैश वैन से पैसे भरने की कोशिश जब चल रही है उस वक्त ये लोग आकर गोली चलाकर पैसे लूटते हैं। उसी सीसीटीवी कैमरे की है जो एटीएम के अंदर लगा हुआ था। उस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार आते हैं, हेलमेट उन्होंने लगाया होता है और सबसे पहले अंदर घुसते ही जो उस कैश वैन का गार्ड था उसको गोली मारते हैं और अंदर से जो ब्रीफ केस जिसमें कैश रखा हुआ था करीब 1.5 करोड़ के आसपास वो ब्रीफ केस उठा करके बाहर बेहद आसानी से ले जाते हैं और कोई उनका विरोध नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास हथियार था और उन्होंने उस पूरी वारदात में दहशत फैलाने के लिए पहले ही गार्ड को गोली मार दी थी और इसी के चलते इस पूरी वारदात का कोई विरोध नहीं कर पाया। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से यहां पर खंगाल रही है क्योंकि अब पुलिस के पास एक और सीसीटीवी फुटेज आ गई है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है पूरी वारदात को। अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, हालांकि वो बैज पुलिस को जरूर नरेश, लेकिन एक बात काफी चौंकाने वाली, अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो जो दो शख्स हेलमेट पहनकर लूट करने के लिए आते हैं, पैसों को लूटने के लिए आते हैं, वो देखिए कैसे चुपचाप जो अंदर लोग हैं उनके साथ साथ बाहर जा रहे हैं। ये बिल्कुल हैरानी वाली बात है और इसी के चलते पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही थी। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है और उन एम्प्लॉयज से भी पूछताछ की गई है जो इस बैंक में इस सिक्योरिटी कंपनी में पहले काम करते थे। तमाम एंगल से यहाँ पर पुलिस इसलिए भी खंगाल रही है क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, लगातार पुलिस से संपर्क में है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी 12 बजे इस पूरे मामले में ऑफ द कैमरा ब्रीफिंग भी करने वाले हैं और वो इस पूरे मामले में अपडेट देंगे कि आखिर इस पूरे मामले में आखिर उनकी तफ्तीश किस दिशा में बढ़ रही है तानिया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस को अब तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है जिससे कि इस पूरा मामला सुलझाया जा सके। अब देखना होगा कि कब तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। बिल्कुल, ये वीडियो काफी मुश्किलें आसान भी कर सकता है पुलिस के लिए क्योंकि सभी लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। जिस एंगल से ये वीडियो सीसीटीवी कैमरा जिस एंगल पर लगा था उसमें बिल्कुल साफ तस्वीरें नजर आ रही है। नरेश, सबसे बड़ी बात है 5 लोग एटीएम के अंदर मौजूद होते हैं, वो पहले से बाहर की तरफ देख रहे हैं, 2 लोग बाइक पर सवार होकर जो आते हैं वहां रुकते हैं, अंदर घुसते हैं, गोली चलाते हैं ऐसा लग रहा है इस वीडियो में, लेकिन ये साफ नहीं है कि अंदर गोली चली या फिर नहीं, और उसके बाद बहुत ही आसानी से सभी लोग एक साथ बाहर की ओर चले जाते हैं। कई सवाल खड़े कर रहा है ये वीडियो अब नरेश, कई सवाल खड़े करता है और जो लोग एटीएम के अंदर मौजूद थे उसके उन लोगों से भी पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और इस फुटेज को देखने के बाद उनसे और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। दूसरी चीज आपको तानिया बता दूं, मैं जो ब्लैक कलर का स्वेटर पहन करके एक शख्स उसमें मौजूद है एटीएम के अंदर, वही उस वैन का गार्ड है और उसको गोली मारी गई थी। हालांकि आवाज नहीं सुनाई थी क्योंकि सीसीटीवी के अंदर ऑडियो कैप्चर नहीं करता है, लेकिन गोली मारी गई है। उसके बाद वो शख्स वहां से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया था और वहां पर उसकी मौत हो गई थी। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि गोली एटीएम के अंदर ही चला दी गई थी और उसके बाद उस एटीएम के वैन की एटीएम के गार्ड की मौत हो गई थी। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है और पुलिस अब और ज्यादा, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा ड्रीडेड क्रिमिनल्स हैं, कुख्यात अपराधी हैं, इसी के चलते इन्होंने अंदर पहुंच करके सबसे पहले गोली चला दी और इसके बाद वो जानते थे कि पैनिक क्रिएट हो जाएगा, कोई शख्स उनका विरोध नहीं कर सकता इस गोली चलाने के बाद, और यही कारण था। पुलिस ये भी मान करके चल रही है कि ये लोग पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, यही कारण है कि पुलिस डोजियर खंगाल रही है ऐसे अपराधियों का जो अब तक इस तरह की वारदातों में शामिल रह चुके हैं। और इस वक्त 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं, एटीएम के अंदर क्या हुआ और एटीएम के बाहर क्या हुआ, दोनों की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। 1.5 करोड़ की लूट का यह पूरा मामला है। दिल्ली के कमला नगर मार्केट के इलाके में सिटी बैंक के एटीएम में जब कैश वैन पैसे भरने के लिए गई थी लूट की गई थी, 2 लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं, 1.5 करोड़ रूपये लूट कर चले जाते हैं और अब पुलिस के पास भी ये दोनों तस्वीरें हैं, एटीएम के अंदर क्या हुआ और बाहर क्या हुआ साफ साफ इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है।
नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब ये जो नए वीडियो सामने आया है, जो एटीएम के अंदर का सीसीटीवी कैमरे पे कैद हुआ वीडियो है, वो भी अब सवाल खड़े कर रहा है कि बड़े आसानी से धीरे धीरे सब एक साथ बाहर की ओर क्यों जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। ये एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इन तस्वीरों से अब ये जो मामला है ये थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि जो तमाम लोग एटीएम के अंदर मौजूद हैं वो लूटने आए जो दो लोग हैं उनके साथ बाहर जाते हुए इन वीडियो में नजर आ रहे हैं। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि एटीएम के अंदर पांच चेहरे नजर आ रहे हैं जिस वक्त ये लुटेरे अंदर घुसते हैं। पांच चेहरे कौन हो सकते हैं? एक तो एटीएम में पहले से जो बाहर गार्ड बैठा होता है वो होता है, और जब कैश वैन आती है तो उसमें तो तीन लोग आते हैं, तो कुल मिलाकर चार लोग होने चाहिए। पांचवा शख्स कौन था? देखिए, इनमें पुलिस के सूत्रों की माने तो इसमें चार लोग थे जो कैश वैन के अंदर मौजूद थे, वही लोग यहाँ पर आए थे। एक एटीएम का गार्ड था और एक गार्ड वो था जो कैश वैन के साथ अक्सर रहा करता है अपनी राइफल के साथ, वो गार्ड के अंदर भी मौजूद था। तो कुल पांच लोग पुलिस बता रही है, लेकिन इनमें से किसी को भी क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है, और यही कारण है कि उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के रडार पे वो लोग अभी भी हैं और लगातार उन लोगों को ट्रेस किया गया है, उनसे उनको अभी तक पुलिस ने पास ऑफ नहीं करार दिया है। और पुलिस की अगर माने तो भी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। बिल्कुल, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, अभी तक कुछ अहम हाथ नहीं लगा है पुलिस के 1.5 करोड़ के लूट के इस मामले में। लेकिन अब तो दोनों तस्वीरें पुलिस के पास हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई जो तस्वीरें एटीएम के अंदर की हैं वो भी अब पुलिस के पास है, और बाहर एक शख्स ने मोबाइल फोन पर जो शूट की थी वो तो पहले से ही पुलिस के पास है। हो सकता है इससे पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू जरूर मिल जाए। नरेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।